हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। तो मैथ्स में हम क्या करेंगे बच्चों? मैथ्स में आज हम नंबर लिखेंगे। तो इसके लिए आपको माय मैथ नोटबुक लेनी है। इसमें आपको पेज नंबर 9 ओपन करना है बच्चों। पेज नंबर 9 पर हमें कौन सा नंबर दिया है बच्चों? नंबर 2। कौन सा नंबर है बच्चों? नंबर 2। तो नंबर 2 लिखना तो आपको आ गया है ना बच्चों। हमने इसके पहले नोटबुक में नंबर 2 लिखा है, ट्रेस भी किया था और लिखा भी था, तो अब तो आपको नंबर 2 लिखना तो आ ही गया होगा। तो देखो बच्चों, ये कितने बॉल है, चलो हम काउंट करते हैं। 1 और 2, कितने बॉल है बच्चों? 2 बॉल है। तो ये कौन सा नंबर है? 2। तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखो बच्चों, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे ध्यान से ये नंबर आपको ट्रेस करना है। इसी तरह कर्व करके यहीं से जॉइंट स्लेंटिंग लाइन करनी है और यहीं से जॉइंट स्लीपिंग लाइन करनी है। तो हमारा कौन सा नंबर बनेगा बच्चों? 2। बच्चों आपको बोलते जाना है और ट्रेस करते जाना है। तो चलो नीचे क्या दिया है हमें? ट्रेस एंड राइट। तो चलो हम 2 नंबर सबसे पहले ट्रेस करेंगे। देखो आपको भी मेरे साथ ये नंबर ट्रेस करते जाना है और बोलते जाना है। 2, हम कौन सा नंबर ट्रेस करते हैं बच्चों? 2। देखो बच्चों, आपको इसी तरह धीरे धीरे ये जो डॉट दी वो ध्यान से जॉइंट करना है और कौन सा नंबर बनेगा? 2। देखो इसी तरह आपको ये नंबर बोलते हुए लिखना है बच्चों। देखो बच्चों, हमने ये नंबर ट्रेस तो कर लिया, अब हम नीचे खुद से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? देखो यहाँ से आपको इसी तरह थोड़ा सा कर्व करना है, यहीं से जॉइंट आपको स्लैंटिंग लाइन करनी है और यहीं से जॉइंट स्लीपिंग लाइन करनी है। तो कौन सा नंबर बनेगा बच्चों? नंबर 2। इसी तरह आपको बोलते जाना है और ये नंबर लिखते जाना है। कौन सा नंबर है बच्चों, याद है आपको? वेरी गुड। कौन सा नंबर है? 2। देखो ये पेज नंबर 9 तो कंप्लीट हो गया, आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। आप भी मेरे साथ ये नंबर लिख रहे थे ना। अब हम पेज नंबर 1010 देखते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 1010 पर कौन सा नंबर दिया है हमें? नंबर 2। कौन सा नंबर है ये? नंबर 2। तो वो भी हमें लिखना है। चलो आपको भी मेरे साथ नंबर लिखते जाना है और बोलते जाना है। इसी तरह से हम सबसे पहले ट्रेस करेंगे और बाद में हम खुद से लिखेंगे। कौन सा नंबर है बच्चों? बच्चों आपको कंपलसरी ये नंबर बोलते हुए लिखना है ताकि आप सबको याद रह जाए कि आप कौन सा नंबर लिख रहे हो। नंबर 2। इस तरह से आपको नंबर 2 लिखना है बच्चों। चलो ये 1 लाइन कंप्लीट हो गई, आपकी भी कंप्लीट हो गई होगी। अब हम सेकंड लाइन लिखते हैं बच्चों। कौन सा नंबर है बच्चों? 2। अब हम खुद से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो यहाँ से आपको कर्व करना है, यहीं से जॉइंट इस तरह से स्लैंटिंग लाइन करनी है
और यहीं से जॉइंट आपको स्लिपिंग लाइन करनी है। तो कौन सा नंबर बनेगा बच्चों? नंबर टू। चलो अब हम नीचे लिखते हैं। कौन सा नंबर है बच्चों? नंबर टू। अब हम लास्ट लाइन लिखते हैं। इस तरह से आपको ये नंबर बोलते हुए लिखना है और ये पेज कंप्लीट करना है बच्चों। देखो बच्चों, मेरा ये पेज तो कंप्लीट हो गया, आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। आप भी मेरे साथ ये नंबर लिख रहे थे ना बच्चों? तो बच्चों, आपको ये मैथ की जो बुक है उसमें आपको पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पर, दोनों ही पेज पर आपको कौन सा नंबर लिखना है? नंबर टू। कौन सा नंबर लिखना है बच्चों? नंबर टू। बच्चों आपको कंपलसरी ये नंबर बोलते हुए लिखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको ये होमवर्क कंप्लीट कर देना है बच्चों।